Hello and welcome to my show, Bobby the Matinee Idol. Dosto, I just saw the glimpse of Akshay Kumar's new film Ramsetu, which is going to hit the silver screen on Diwali 2022. Oh, glimpse मैंने देखा तो मुझे तो बचपन की याद आ गई. बचपन में एक टीवी पे एक प्रोग्राम आता था हॉलीवुड का, जॉइंट रॉबर्ट करके कुछ करता ना, वो जॉइंट रॉबर्ट ऐसा कुछ. तो उस तरह का मुझे याद आ गया. आई थॉट रामसेतु कुछ भगवान की पिक्चर होगी, लॉर्ड राम उनकी ऐसा कुछ होगा. आई थॉट लाइक दैट, अगर टाइटल से ऐसा हुआ. लेकिन आई थिंक राम सेतु किसी चीज़ का नाम दिया हुआ है, मतलब राम सेतु को बचाने में हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे, तो ऐसा ही कुछ है. लेकिन आई थिंक द टाइटल इज़ रॉन्ग, आई गेस, आई डोंट नो, बिकॉज पब्लिक के दिमाग में और कुछ है और ट्रेलर कुछ और दिखा रहा है. लेकिन चलो, जो भी दिखाया इट्स नॉट बैड. अभी फिल्म देख के पता चलेगा एग्जैक्टली फिल्म कैसा. ट्रेलर आएगा तो फिर आइडिया पता चलेगा कि वॉट इज़ एक्चुअल राम सेतु. अक्षय कुमार तो ज़बरदस्त लग रहे हैं. देखते हैं अभिषेक शर्मा ने फिल्म कितनी अच्छी बनाई है और लोगों को कितनी पसंद आएगी राम सेतु. क्योंकि आजकल अक्षय कुमार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल रही है. तो लेट्स होप कि ये फिल्म अक्षय कुमार की जो लॉस्ट ग्लोरी बॉक्स ऑफिस पे वो सब वापस आ जाए, यानी वंस अगेन बिकम्स द बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी. तो ऑल द सुपर बेस्ट टू अक्षय कुमार फॉर राम सेतु. जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा एंड ऑफकोर्स द डायरेक्टर अभिषेक शर्मा. अब देखते हैं दिवाली पे धमाका कितना बड़ा होता है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि राम सेतु धूम मचाए. सो यहाँ सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन इज बाय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.